वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, मेरा नाम है मेहुल भोजक और ये जो हम गाना कर रहे हैं हिंदी एल्बम है उसका नाम है फासले कम, जिसकी लिरिक्स म्यूजिक कंपोज और गाया है अरविंद चौहान जी ने। इट्स अ वेरी पैपी लवली रोमांटिक सॉन्ग। मेरी को एक्टर है अनु जी और हमारे डायरेक्टर है अजहर हुसैन और क्रिएटिव डायरेक्टर है नास। और अजहर और नास जो है, मतलब मैं उनकी प्रोफेशनली तो डायरेक्टर और क्रिएटिव है, तो मेरी लिए फैमिली है। मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। आई एम श्योर अनु जी के साथ काम करके मुझे और अच्छा लगेगा एंड आई होप कि हम फ्यूचर में भी आगे काम करते रहेंगे। एंड जो गाना है, जो प्यार भरा रोमांस दिख रहा है, वही केमिस्ट्री हम गाने में दिखाएंगे एंड आई एम श्योर ऑडियंस देखेगी तो उन्हें पसंद आएगी और दे विल अप्रिशिएट अस। और अपने बारे में बताइए, मतलब किस तरह का आपने पहले प्रोजेक्ट किए हैं, ये आपका डेब्यू है, मतलब म्यूजिक वीडियो भी किए हैं इसके बारे में। जी डेफिनेटली, मैंने मेरे करियर एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफ स्टार्ट किया था, उसके बाद मॉडलिंग एक्टिंग की है। मैंने सबसे पहली फिल्म आई थी धूम, जॉन अब्राहम वाली, जिसमें 5 बाइकर्स थे रॉबर्स, उसमें से एक मैं था। देन वैसी बड़ी फिल्म एक और की थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सुल्तान मिर्जा वाली, अजय देवगन इमरान हाशमी के साथ। सो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की है। अभी रिलीज पर 2 बड़ी वेब सीरीज है, एक है दल्ला अश्विन पटेल के साथ है, एक है यूपी बेस्ड जनपद गुंडा। सो और टेलीविजन शोज तो मैं बहुत कर चुका हूँ एंड बस ऊपर वाले का ऐसे ही आशीर्वाद रहेगा तो आगे काम करता रहूँगा। इस म्यूजिक की बात करें, कैसे आपकी कास्टिंग हुई, आपने कैसे कास्ट की? अजहर भाई, मैंने कहा ना कि जैसे हम फैमिली है और जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ होती है जिसमें परफॉर्म करना होता है, लाइक रोमांस दिखाना है या एक्टिंग दिखानी है, तो वो सबसे पहले मेरा नाम ही हमेशा करता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये गाने के लिए ऑफर दिया एंड अनुज से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, केमिस्ट्री अच्छी लगी एंड टुडे आई एम हियर। गाना किस तरह का है, उसके बारे में बनाएंगे, मतलब क्या रोमांटिक है, कहाँ? फासले कम, आप उस सुन के ही आपको समझ में आएगा कि फासले कम मतलब दूरियां दूर करनी है। दो जो कपल है वो आपस में इतने करीब आए, प्यार करे, उनकी जो केमिस्ट्री, रोमांस, एक गहरा प्यार उस टाइप का है, उसी को लेके ये स्टोरी, उसने कॉन्सेप्ट बनाया है जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट समझ लीजिए कि एकदम शिद्दत वाला, प्यार वाला है जो फासले कम करना है। कहाँ पे शूट होने वाला है? जी, हम इनकी शूट मुंबई में कर रहे हैं। माय नेम इज अनु कश्यप। और ये गाना आपको कैसे मिला, आप कहाँ से, मतलब कास्टिंग हुआ? ये गाना अजहर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया, कहा कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है अनु, क्योंकि ये कितना प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है जो अजहर को लगता है मुझे सूट होगा इसीलिए बस इस पर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और देखिए, आप सब लोग को अच्छा लगेगा। आए हो, आपने काफ़ी सारी प्रोजेक्ट किए हैं, काफ़ी मतलब बीच में गैप हो गया, फिर कम बगैर, उसके बारे में बताइए, आपने मतलब इतना लॉन्ग टाइम कहाँ थे? मैं काफ़ी सारी फिल्म कर चुकी हूँ, 17 में लीड विद मिथुन, धर्मेंद्र, निर्मल पांडे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ, पर मेरा बीच में थोड़ा गैप हो गया था। अभी ये मेरी री एंट्री है तो अभी मैं रुकूंगी नहीं, तो चालू रहेगा म्यूजिक वीडियो कभी। अभी मेरी 3 साउथ की मूवी आने वाली है, प्लस हिंदी मूवी, वेब सीरीज वापस अजहर के साथ, ये सब चलता रहेगा। बताएंगे डायरेक्शन, मतलब किस तरह का रहेगा, आपने कुछ डिस्कस हुआ है, कहाँ का आप शूट होने वाले गाने का? शूट बॉम्बे में ही होगा और सब फिर अजहर संभाल ही लेगा, जहाँ जहाँ होगा मैं चलती रहूँगी बस। कुछ मतलब ब्रीफ किए हैं, मतलब किस तरह गाना है, रोमांटिक है? रोमांटिक है, बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, और फिर आप सब देख कर डिसाइड करेंगे।
और कितना अच्छा बना। कैसे आपको चूज किया मतलब इस गाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा? मैंने बताया ना, गाना सुनते ही उसको ये लगा कि अन्नू को करना चाहिए। अच्छा, गाना किसने बनाया है ये? म्यूजिक डायरेक्टर हाँ, अरविंद जी हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया है, वही सिंगर हैं और उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और मेरी भी उनके लिए बेस्ट विशेस है उनको। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी? अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से आने वाले उसके बारे में बताइए। ओ मैं नहीं बताऊंगी एक के बाद एक तो पता चलता रहेगा। आप अपने मेहुल जी के साथ करने जा रही हैं म्यूजिक वीडियो, तब कितना कंफर्ट जोन में है मेहुल जी के साथ शूट करना? एक्चुअली एक हैंडसम बंदे के लिए मैं और क्या बोलूंगी, हैंडसम बंदा इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं। और थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू आर सो ब्यूटीफुल। एंड चीज होती है काम करने में कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, एक ट्रस्ट हो, केमिस्ट्री हो, कि जब काम करे तो लोगों को लगे कि यार अगर ये गाने में हम प्यार दिखा रहे तो सच में लगे कि यार ये रियल कपल है, दे आर शोइंग दैट अच्छी जोड़ी है, अच्छी जोड़ी है और सच में प्यार करते हैं। वो अटेंशन, एक अट्रैक्शन जो होता है वो बाहर आना चाहिए। एक्चुअली मैं इस सॉन्ग में एसोसिएट कर रही हूँ अज़हर हुसैन सर को, एंड दो प्यार करने वालों के फासले कम हो रहे इस गाने के ज़रिए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और खूबसूरत अंदाज इसलिए क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर सर है अज़हर हुसैन सर, उनका एक अपना जॉनर है। जितने पिछले हमने जितने भी म्यूज़िक एल्बम किए सब रोमांटिक थे और वो सभी रोमांटिक सॉन्ग्स को आप सभी ने इतना प्यार किया, इतना पसंद किया, तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि और बेहतर बेहतर से बेहतर करके आपके सामने कुछ नया लाए। तो जैसे ही ये सॉन्ग हमारे पास आए, एक्चुअली तो बहुत सॉन्ग्स आते हैं हमारे पास, लेकिन कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि सुनते ही वो फील होते, और ये सॉन्ग सुनते ही बहुत फील हुआ था। हमने डिसाइड किया कि नहीं, इस पर वर्क करना चाहिए। और इसके बाद कास्टिंग के बारे में सोचा तो हमें इसमें अनु जी बहुत ही परफेक्टली फिट लगे और उनके साथ जिन्होंने धूम में धमाकेदार परफॉर्मेंस में धमाल मचा दी थी, हमारे एक्टर मेहुल भोजक जी जिनके साथ हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम बहुत खुश है कि एक और धमाकेदार सॉन्ग हम शूट करने बहुत जल्दी फ्लोर पर जाएंगे और एक इंटरटेनिंग सॉन्ग आप सबके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो अजय जी के बारे में बताइए, क्या आपने सीखा उनके साथ एसोसिएट करते, कितना कुछ मतलब लगता है एप्रिशिएट होते आप? उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी है, बस काम करते रहो, काम करो, काम करो और सिर्फ काम करो। बहुत सारी चीज़ लाइफ में आती है, आती ही रहेगी और आई भी थी, लेकिन आप अपने काम पर फोकस करो और सिर्फ काम करो। और वो जितना पैशनेटली काम करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम पर फोकस नहीं देते, उनकी सबसे अच्छी बात है कि वो कभी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं देते, वो हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस देते, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। कहाँ कहाँ पे शूट होने वाला गाना आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये तो मुंबई में ही शूट होगा और स्पेशली हमने बहुत सारे सेट्स लगाए हैं इस सॉन्ग के लिए, तो ये बहुत ही सुपर डुपर सॉन्ग होने वाला है। कभी तक आने मतलब ये रिलीज हो जाएगा अपन के लिए तैयार? इंशाल्लाह एंड ऑफ जून। कभी फ्लोर पे कभी जाएंगे शूटिंग पे? हम जून के सेकंड वीक में जा सकते हैं। मेरा नाम है फासले कम और इस म्यूजिक वीडियो में जो लीड कर रहे हैं हमारे दोस्त फिल्म एक्टर मेहुल भोजक, साथ ही साथ अनु कश्यप जी लीड कर रही है। म्यूजिक को बनाया है अरविंद सिंह चौहान ने और लिरिक्स भी उन्हीं का है और गाया भी उन्हीं ने है, सिंगर भी वही है। और इस म्यूजिक वीडियो को जो एज अ डी ओ पी कुंदन रोशन जो कर रहे हैं, मुंबई में हम लोग शूट करने वाले हैं। और रही बात इस म्यूजिक के बारे में सोचना हमारा कैसा हुआ, एक्चुअली हम बहुत टाइम से एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सर्च कर रहा था मैं, जैसे कि मैंने लास्ट एक म्यूजिक वीडियो हिट दिया था इश्क गुना है विद राहुल रॉय और शाहीन खान, तो उस म्यूजिक वीडियो के बाद से मैं तैयारी फिर से कर रहा था कि एक नया म्यूजिक वीडियो फिर से ऐसा लाया जाए जो कि बहुत ही शानदार हो। और उससे पहले भी म्यूजिक वीडियो में मेहुल भोजक जी के साथ कर चुका हूं मैं, जिसका नाम तुस्सा नहीं ख्वाब कोई, वो जी म्यूजिक से रिलीज हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, जी म्यूजिक से रिलीज है वो। और तो इश्क गुना के बाद जो हमने जो गाना डिसाइड किया अनु जी के साथ मिलके, मतलब ये गाना डिसाइड करने में अनु जी ने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब मैं गाना जब डिसाइड कर रहा था काफ़ी सारे म्यूजिक रोमांटिक सॉन्ग, तो अनु जी को मैं डिस्कस करता था कि ये गाना कैसा रहेगा हमारे लिए, ऐसा तो फाइनली डिसाइड हुआ फासले कम,
तो फासले कम कैसा था कि जब किसी के बीच में एक दूरियां बन जाती है ना, उस फासले को हम कम करना चाहते हैं इस गाने के जरिए। और इस पूरी म्यूजिक वीडियो को वो जो कॉन्सेप्ट जो डिजाइन किया है वो नास काजी ने डिजाइन किया है, और हमारा होल प्रोडक्शन पूरा मैनेजमेंट शाहिद भाई शाहिद खान साहब है जो हमारे साथ मिलकर करे, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि पहले भी गाने में हमारे साथ में प्रोडक्शन वही करते थे। और मीडिया का अक्सर मेरे को सपोर्ट मिलता है, महानगर मेल हो गए, नेशनल समाचार हो गया, सीजन मीडिया हो गया, न्यूज स्टूडियो इंडिया हो गया, बॉलीवुड अड्डा हो गया, यानी कि मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी सबका सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हमारे आर्टिस्ट को, हमारे को एक्टर्स को, टीम को प्रमोट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आगे आप तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए हमें, हम आपके सामने और भी इसी तरह म्यूजिक वीडियो लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, बैक टू बैक काम करते रहेंगे। और हमारा फ्यूचर में और भी प्लान है, एक वेब सीरीज करने का, कुछ बड़े चैनल्स OTT के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें अनु जी भी हैं हमारे साथ में, मेहुल जी भी हैं, और हमारे साथ में और जो जुड़े टीम है, को एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज, सब जुड़े हुए हमारे साथ में। कुछ बताइए, मतलब कम बैक टू बैक करते रहते म्यूजिक वीडियो, कुछ ना कुछ बैक टू बैक करने का तो सिर्फ यही है कि जैसे हमने कोविड्स में लगभग लॉकडाउन में हमने क्या किया, लगभग साल भर दो साल हमारा गैप हो गया कि हम लोग घर ही बैठ गए थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग करें, क्योंकि हमारे पास शूटिंग के अलावा कुछ काम ही नहीं था, तो हम लोग क्रिएटिव लोग फिर भी हम लोग घर बैठे कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे थे, स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। पर जैसे ही हमें सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की परमिशन दे दी है, मास्क हटाने का परमिशन दे दिया है, तो हमने प्लान किया कि हम बैक टू बैक हमें काम करना है, जो कोविड में बैठ के हम लोग प्लानिंग तैयारी कर रहे थे वो हमारा बैक टू अब आ रहा है बैक टू बैक। तो लगभग हमारा मेरा पिछले ही महीने 4 प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है, बी फॉर यू से, MX प्लेयर से और जी म्यूजिक से, तो इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी बंद ही होने वाला नहीं है। मेरा चैलेंज मार्केट में किसी भी म्यूजिक वीडियो से नहीं है, ना ही किसी फिल्म से, मेरा जो चैलेंज होता है अपने खुद के प्रोजेक्ट से होता है कि कितना बेटर हम करें अपने प्रोजेक्ट को। अनिल जी आप बताइए, आज मतलब एज अ डेब्यूट कर रहे हैं, अजय भाई अजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, मतलब कितने मतलब एक्साइटेड हैं या नर्वस लग रहा है? वो प्रॉपर जो एक सेटिंग होती है, प्रॉपर जो एक आर्टिस्ट को भी मजा आता है एक डायरेक्टर के साथ काम करने पे, बिल्कुल वैसा लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल। तो अजय जी आपको कैसा लग रहा है, मतलब अजय फर्स्ट टाइम आप मतलब आपके साथ अनिल जी काम कर रही है? हाँ, मुझे एक्चुअली बेसिकली कैसा है ना कि आर्टिस्ट के साथ फर्स्ट टाइम काम करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि अनु जी बेसिकली एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट काम किया हुआ है, मतलब मुझे इनके बारे में क्या बताऊं कि मुझे इनको कुछ सिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने इनके सामने सिचुएशन होगी, उनके सामने सीक्वेंस होगा, वो शूट कर लेना है, मुझे इनको सिखाने या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली इनको मैंने बहुत काम देखा हुआ है, वेब सीरीज में काम देखा हुआ है इनका, इससे पहले सीरियल्स में काम देखा हुआ है, फिल्म में काम देखा हुआ है, एड्स में काम देखा हुआ है, और अक्सर हम लोग इवेंट्स में मिलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं अवार्ड फंक्शन जहाँ मुंबई के अंदर में जो ऑर्गेनाइज होता है, तो कहीं ना कहीं वो एज एक्ट्रेस नवाजी जाती है, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर नवाजा जाता हूँ वहाँ पे, तो हमारी मुलाकात वहाँ होती ही रहती है। तो इनके साथ काम करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बट इवन मैं कंफर्ट जोन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है बेसिकली ये, तो आगे अगर कोई भी डायरेक्टर जो काम भी करना चाहे तो इस बात का ध्यान रखे बहुत फ्लेक्सिबल आर्टिस्ट हैं ये। मेहुल जी बताइए आपकी कैसे कॉम्बिनेशन, कैसे मतलब को आर्टिस्ट के बारे में बताइए। जी मैंने कहा ना कि अज़र हुसैन जो है प्रोफेशनली मैं एक्टर, और प्रोफेशनली मैं एक्टर वो डायरेक्टर है, लेकिन वी आर लाइक अ फैमिली फैमिली मेंबर है, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हमारी नास काजी, लाइक वी ऑल आर लाइक बॉन्डिंग टुगेदर लाइक सो वेल। और जैसे इन्होंने कहा कि अभी ये एल्बम करे, सेकंड टाइम मैं इनके साथ एल्बम कर रहा हूँ, और आगे जाके इंशाल्लाह यही साल में हम एक वेब सीरीज भी करेंगे। और रही बात क्या जैसे आपने कहा अनु जी और उनका काम करने में कैसा लगे, सी इट्स ऑल अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म। एज एन डायरेक्टर वो प्रोफेशनल काम करते कहते कि कैप्टन ऑफ द शिप, वो हमें जो सिखाते बताते बस हमें उस पर ध्यान देना, और एज एन एक्टर हमें प्रोफेशनली परफॉर्म करना है, एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन प्रोजेक्ट जो होते हैं बहुत अच्छे से खुल के बाहर आता है। आप बताइए काफ़ी सारी मूवी की है, मतलब काफ़ी अचानक से लॉन्ग टाइम फिर कमबैक आ रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कुछ, क्या जल्दी रही मतलब बीच में आप गैप हो गया था? बीच में मैं थोड़ा सा लंदन शिफ्ट हो गई थी, फिर कोई लाइफ नहीं है, मतलब हम आर्टिस्ट हैं तो हमें अच्छा लगता है कि सिर्फ काम करते रहें, तो अभी काफ़ी गैप के बाद मेरी ये री एंट्री है, और अभी मैं तो बहुत अच्छा एंट्री है, ये री एंट्री बहुत धमाकेदार एंट्री है, और रुकूंगी भी नहीं, हाँ, काम करते रहूंगी। यू कैन सी अब मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद म्यूजिक वीडियो में, फिल्म में, सब देखते रहेंगे। गाने मतलब किस तरह का होना, मतलब इसके बारे में क्या स्टोरी होगी, लव स्टोरी? लव स्टोरी जैसे मैंने बताया अभी कि जो हम जैसे कि जो एक होता है कि किसी की मोहब्बत प्यार में दूरियां जो हो जाती है, उस दूरियों को कम करने के लिए हमने टाइटल का नाम भी रखा है फासले कम।
तो ये बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है एक तरह से, और इस सॉन्ग की जो स्टोरी है वो सेम उसी अपने टाइटल से बिल्कुल बिल्कुल मैच करता है, वहाँ से इंस्पायर्ड है कि बिल्कुल दूरियाँ कम करनी है हमें यहाँ पे। तो जो हमारे यूथ होंगे जो इस गाने को जब देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ से इंस्पायर्ड भी होंगे इस गाने को देखने के बाद, स्टोरी को देखने के बाद। और फिल्म मेकर्स के लिए तो है ही कि हर बार एक नया मार्केट में एक नया क्रिएटिविटी आएगा सामने। और बताइए कभी तक गाना ये शूट होने वाला, कहाँ कहाँ करने वाले? ये गाना हम लोग इस जून के महीने में ही शूट करने वाले हैं, और ये गाना मुंबई में ही शूट होगा, और इसका रिलीज जो है हम लोग इंशाल्लाह हो सकता है अगले महीने तक इसको रिलीज भी कर देंगे पोस्ट करने के बाद प्रमोशन के साथ पूरा। तो आप जुड़े हुए अजर के प्रोडक्शन से? सर मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ अजर भाई के साथ, और प्रोडक्शन मैनेजर ही हूँ मैं शुरू से एंड तक। बट इसका जो है काम करने का जो तरीका है अजहर भाई का, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। उनको देख कर जो है वो अजहर भाई की है, बाकी हम लोग तो सिर्फ उनके इशारे पे ही, बहुत अच्छा है जो जो ऐसा काम करने का जो है तरीका। दो ही तीन या चार याद है मुझे, बाकी तो याद नहीं है काफी किए हुए हैं, काफी टाइम से चार गाने कर चुके हैं जो हमें अभी तक याद है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम करने का तो तरीका बहुत अच्छा है। बहुत नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जैसा हम हंस खेल के काम कर लेते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता है। अजहर भाई के साथ जो काम हम लोग जैसे कर लेते हैं वैसा कोई नहीं होता। अजहर जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ खड़े होते हैं, हमेशा खड़े रहेंगे हम। अब अजहर जी के साथ जुड़े हुए कैसा लग रहा है, मतलब किस तरह गाना होने वाला है? गाने अच्छे करते हैं और हमेशा अच्छे करते रहेंगे, ये दुआएं हमारी इनके साथ हमेशा रहेगी। और जो नया गाना फासले कम, इस गाने के लिए मैं महिल जी को और अनु जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहले भी गाने कर चुके हैं, ये गाना अच्छे लेवल पे जाए, अच्छा अच्छा शूट हो, मेरी ये शुभकामनाएं इनके लिए हैं। काफ़ी पुरानी आपकी जर्नी दोस्ती है उनके, उसके बारे में बताइए क्या क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं और क्या क्या किया आपने अजहर जी के साथ? अजहर जी मेरे भाई हैं, दोस्त नहीं हैं, छोटे छोटे भाई की तरह हैं वो, बिल्कुल छोटे भाई हैं। और हम लोग मिलकर काम करते रहते हैं, चाहे मीडिया काम हो, किसी फिल्म का प्रमोशन का काम हो। और आपको याद ही होगा अभी हमने पिछले में किया ही था, उसका तो आपको मालूम ही है। बाकी मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ हैं, साथ रहेंगी। तो अभी कौन कौन से मतलब आप करने वाले प्रोजेक्ट? अभी हमारा अभी लॉन्च हुआ था पिछले, म्यूजिक था मोहब्बत के अल्फाज, वो भी हम जून में शूट करने वाले हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो जून में ही अभी शूट होने वाला है उसका नाम है मोहब्बत के अल्फाज, जिसमें अजहर भाई उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और नाज़ काजी भी साथ जुड़ी हुई हैं, उसको लीड कर रही हैं एक्ट्रेस प्रिया सिंह और अली खान जी के दामाद हैं सोफियान कपाड़िया जी। और ये इनको क्या विशेष देंगे, मतलब ये जो मतलब अभी गाना कर रहे हैं डायरेक्टर अजहर जी हैं और ये नए गाने? ये एक पूरी फैमिली है हमारी एक तरह की, फैमिली है, फैमिली में कोई काम दिल से करता है और मेरी उम्मीद है कि ये काम भी पहले की तरह और अच्छे होंगे। बेसिकली कैसा है ना कि अभी अनु जी जो अपकमिंग मार्केट में कर रही है फासले कम म्यूजिक से, म्यूजिक वीडियो से, तो उससे उनको बहुत से ब्लेसिंग भी उनको बहुत सारी मिल रही है बैक टू बैक। और ये क्योंकि अनु जी का जो कम बैक है ना, ये आशीर्वाद के साथ ऊपर आगे बढ़ेगा और बहुत सारा काम बैक टू बैक इसी तरह करते रहेंगे। गहलोत जी हमारे बहुत सीनियर अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी है, पूरी फैमिली है हमारी। अनु जी भी हमारी फैमिली है, मेहुल भोजे हमारी फैमिली है। तो मेरे एक शुरू से मेरे एक मतलब की तरीका रहता है काम, मतलब खुद की सोच भी है कि जब भी आप काम करो सबसे पहले अपने घर वालों को संभालो, अपने करीबी वालों को सबसे पहले काम दो आप, फिर अपने बगल वालों को काम दो, फिर उसके बाद शहर वालों को काम दो। तो काम के लिए मैं जो डिजर्व है मैं उसको जरूर काम देता हूं मैं, पर सबसे पहले सोचता हूं कि अपनी फैमिली को सबसे पहले आगे लाया जाए। तो ये मेरा मतलब कि है, कोई इसमें कोई मतलब ये ना समझे कि मुझे काम नहीं मिल रहा। डेफिनेटली आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, आप भी साथ में काम कर सकते, करते रहेंगे। और बहुत बहुत मुबारकबाद इस म्यूजिक वीडियो के लिए मेहुल भाई को, अनु जी को और गहलोत जी के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा उनके लिए, उनको भी। और मैं साथ में जुड़ना चाहूँगा अजीत जी को, अजीत जी हमारे नेशनल समाचार के मेन संपादक हैं। जी सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊँगा, अजीत सिंह मेरा नाम है और मैं डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और अजहर भाई से काफ़ी पुराना हमारा संबंध है। और इस गाने को भी मैं डिजिटली जितना भी प्रमोट हो सकता है उतना मैं अपने लेवल पर करूँगा। और मेरा एक चैनल नेशनल समाचार, जो कि बताया कि मीडिया पार्टनर के रूप में मैं जुड़ा हूँ इनसे, और साथ में मेरी पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं कि जो ये फिल्म बना रहे हैं, जो ये म्यूज़िक एल्बम इनका आ रहा है, ये सक्सेस हो, काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि आजकल क्या है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, रोमांटिक चीज़ें चाहिए सुनने को, क्योंकि बड़े बोर हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें देख के। तो मैं यही सब इनको कामना करता हूँ कि इनका जो है